हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमने पहले चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया था किन्हीं दो कंडक्टर्स पर। दो कंडक्टर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ रहे हैं और कैपेसिटर में दो प्लेट्स लेते हैं, वो किसी भी शेप में हो सकती है। जैसे मान लो अगर उसको रेक्टेंगुलर लेना है तो ले लिया उसको, लेकिन दोनों ही रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, दोनों स्फेरिकल होनी चाहिए या दोनों सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। तो जैसे ही हम दो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो अगर उस पर चार्जेस हमने दे दिए हैं उनको और उनका हमें क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्जेस का। तो पहले क्या करेंगे, उन दोनों को चार्ज देके हमने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट रखेंगे तब तक तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग चार्जेस दिया है मान लो, और दोनों अलग अलग चार्जेस है तो पोटेंशियल क्या होगा, एक पर V1 दूसरे पर V2। यानी कि अभी चार्जेस पोटेंशियल दोनों ही क्या है, दोनों कंडक्टर्स पर अलग अलग है। जैसे ही हम उसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करके आइसोलेशन हटा देते हैं तो जैसे ही वो कनेक्ट होंगे उन पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और वो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पर पोटेंशियल कैसा होना नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। इसका मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है, पहले चार्जेस जो अलग अलग थे, एक पर हाई पोटेंशियल दूसरे पर लो पोटेंशियल था, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होगा, चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पोटेंशियल विल बी सेम ऑन टू कंडक्टर्स, दीज टू कंडक्टर्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में जो डेल्टा V1 है यानी पोटेंशियल में क्या चेंज आया, किसके पोटेंशियल में, फर्स्ट कंडक्टर के पोटेंशियल में। और सेकंड पोटेंशियल जो होगा जिसमें चेंज आया है तो वो क्या होगा, डेल्टा V2 होगा। तो दोनों का रेशियो जो है वो क्या बनकर आएगा ये हम बात करेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है, आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो हमारे पास दोनों कंडक्टर्स थे उन पर पोटेंशियल जो सेम हो गया था, उस सेम पोटेंशियल की हम बात करेंगे, उसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कंडीशंस जो थी बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक हमने कंडक्टर लिया है, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस है C1, चार्ज है Q1 एंड जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है। सेकंड हम कंडक्टर लेते हैं, ये मान लो ये A कंडक्टर है और ये हो गया B कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस C2, चार्ज क्या होगा इस पर Q2 एंड जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिख रहे हैं V2। इसको भी हमने क्या कर लिया, इंसुलेटर जो स्टैंड है उससे कनेक्ट कर रखा है। अब अभी ये क्या है, बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की कंडीशन है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि दोनों जो कंडक्टर हमने जो चार्ज किए हैं वो एक दूसरे से आइसोलेशन में है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये कंडीशन हुई बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हम पढ़ेंगे कि अगर इनके बीच का जो आइसोलेशन है वो हटा दिया जाए और इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों के चार्जेस में और पोटेंशियल में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से मान लो अगर V1 ग्रेटर देन हमें लेना है V2 से, तो हमने क्या किया, देखो दोनों में डिफरेंस है तो कोई ना कोई एक पोटेंशियल तो ग्रेटर देन होगा दूसरे से। हमने यहां पर अज्यूम किया है V1 ग्रेटर देन है किससे, V2 से। इसका मतलब चार्ज का जो फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल V1 से V2 की तरफ होगा। यानी अब क्या होगा, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जो चार्ज जो पहले थे वो कुछ अलग चार्ज होंगे। तो हमने आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो कंडीशन अब हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने वायर को दोनों से कनेक्ट किया है, अब जो चार्ज होगा दोनों पे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा पहले वाली कंडीशन से। तो हमने इसको लिख दिया Q1 - और इसको लिख दिया Q2 - उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कैसा होगा,
क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर्स पर पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसका मतलब जो पोटेंशियल पहले V1 ग्रेटर देन था V2 से, अब दोनों हो गए सेम, यानी अब हम जो नंबरिंग हमने की थी 1 और 2 की, अब उसको हम हटा देंगे। दोनों पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा वी। अब हमें क्या करना है, वी जो कॉमन पोटेंशियल है वो डिराइव करना है, और उसका यूज हम किस में करेंगे, जब हम दोनों में पोटेंशियल में चेंज का जो रेशियो होगा वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कॉमन पोटेंशियल हम कैसे डिराइव करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम V=Q/C पढ़ते हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो चार्जेस Q1 एंड Q2 की, कैपेसिटेंस भी हमारे पास C1 एंड C2 है। तो यहाँ क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास C1+C2, लेकिन जो टोटल चार्ज है उसको हम क्या लिखेंगे, देखिए Q1 चार्ज को हम लिखेंगे C1V1, एंड जो Q2 चार्ज है उसको लिखेंगे C2V2। फॉर्मूला हमारे पास Q का क्या होता है, CV होता है। अब हमें क्या करना है, वहां पर टोटल चार्ज करना है। तो जो कॉमन पोटेंशियल है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, Q1+Q2 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, C1+C2। तो कॉमन पोटेंशियल हमारा निकलता है, Q1 की जगह हम पुट करेंगे C1V1+C2V2 अपॉन C1+C2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है कॉमन पोटेंशियल की। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमने यहाँ पर बात की कॉमन पोटेंशियल की, अब हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद में हम बात करेंगे जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्जेस हैं उनका रेशियो क्या आता है। तो उसके पहले हमें समझना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो चार्जेस का जो कंजर्वेशन है वो क्या होगा, हमने पहले एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम में दो कंडक्टर्स रखे, दोनों पर चार्जेस क्या थे, पहले पर चार्ज था Q1 एंड दूसरे पर चार्ज था हमारे पास Q2, ये आइसोलेटेड है अभी। देन हमने क्या किया, उसी सिस्टम में जो हमने पहले सिस्टम लिया था जिसमें हमने दो कंडक्टर्स लिए थे, उसी सिस्टम में अब उन दोनों कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि जो चार्ज होंगे उनका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पे हमने क्या किया था, पोटेंशियल को ग्रेटर देन माना था सेकेंड वाले से। तो जनरली यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि जो चार्ज थे यहाँ ज़्यादा थे यहाँ कम थे, तो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा इस पर। तो पोटेंशियल जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहेगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं हम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा कि पहले वाले सिस्टम में जितने चार्ज थे अब आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन उस सिस्टम में चार्ज उतने ही होंगे जितना पहले थे, जो एडिशन ऑफ चार्ज था। मतलब अगर हम Q1 का Q2 के साथ क्या कर दें, एडिशन कर दें, तो ये कंडीशन बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये होंगे Q1′+Q2′। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले कंडक्टर पर जो Q1 चार्ज थे उससे कुछ निकल के सेकेंड कंडक्टर पर चले गए, तो जो पूरे सिस्टम में इन दोनों चार्जेस का एडिशन है वो क्या होगा, बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन Q1+Q2 होगा। और आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन जब चार्जेस निकलकर चले गए हैं तो भी क्या होगा कि जितने चार्ज चले गए उतने की यहाँ पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो क्या होगा, वही क्या होगा, सिस्टम में चार्जेस तो सेम ही हैं, बस एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एक सिस्टम में चार्ज का कंजर्वेशन क्या होगा कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने के पहले उस सिस्टम में जितने चार्ज थे उतने ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद में रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या कहती है कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जितने टोटल चार्ज थे सिस्टम में बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस उतना ही सम होगा चार्जेस का। अब हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की कि ये जो Q- है वो क्या होगा और Q2- जो है वो क्या होगा। तो Q1- की अगर बात करें
तो हम लिखेंगे C1V, क्योंकि अभी आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल सेम है दोनों पर। Q2 कितना आ जाएगा? C2V आ जाएगा। कैपेसिटेंस अलग अलग है, पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का रेशियो निकालें तो ये जो रेशियो है वो कितना होगा? V से V कैंसिल आउट होगा, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश किसके इक्वल आएगा? C1 अपॉन C2 के। आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर अगर हमें कोई तीन वैल्यूज दी हुई हो इसकी न्यूमेरिकल में, चौथी हमें पूछ रही हो, तो हम फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हमें कैपेसिटेंस दे रखा हो दो कंडक्टर्स का, तो आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें अगर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का रेशियो निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 1:2 अगर कैपेसिटेंस है तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का रेशियो कितना होगा? 1:2 ही होगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा V1 की एंड डेल्टा V2 की। जैसे ही हम फर्स्ट वाले पोटेंशियल में चेंज निकाल लेंगे और सेकंड वाले पोटेंशियल में चेंज निकाल लेंगे, उन दोनों का हमें रेशियो निकालना है कि उन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्योंकि वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल है। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के रेशियो की बात हमने कर ली है। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम डेल्टा V1 और डेल्टा V2 डिराइव करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि V1 हमने ग्रेटर देन लिया था V2 के, और सेकंड कंडीशन में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था चार्जेस का तो पोटेंशियल दोनों पर कैसा आया था? सेम आया था। वो पोटेंशियल क्या होगा? V पोटेंशियल होगा। अब हम बात करेंगे कि तीनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी किससे छोटी वैल्यू है। तो V1 डेफिनेटली V2 से बड़ी है, लेकिन ये जो V है वो V1 से बड़ा है या छोटा, कहाँ आएगा, इसको कहाँ लिखेंगे? तो देखिए, दोनों जो पोटेंशियल थे उसमें से V1 ग्रेटर देन था V2 के। इक्वल होने के लिए क्या होगा कि V1 से थोड़ा, मतलब जो पोटेंशियल था V1 तो कम होगा और V2 क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बीच की कंडीशन आएगी V की, यानी कि जो V पोटेंशियल है वो V1 से लेस होगा और V2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो हम तीनों को किस तरह से लिख सकते हैं? V1 ग्रेटर देन V, लेकिन जो V होगा वो ग्रेटर देन होगा V2 से। यानी अगर हमें डेल्टा V1 निकालना हो तो क्या होगा? इन दोनों का अपन को डिफरेंस निकालना है। अब इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है, यानी V1 में से हमें माइनस करना पड़ेगा V। अब अगर हमें बात करनी हो डेल्टा V2 की, तो डेल्टा V2 का जो डिफरेंस है वो इन दोनों से होगा। यानी इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है हमारे पास? V, जो कॉमन पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन है V2 से। तो अभी हमें डेल्टा V2 के लिए क्या करना पड़ेगा? V माइनस V2 करना पड़ेगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है V1 - V, ये जो डिफरेंस है डेल्टा V1 का होगा, और V - V2 ये डिफरेंस होगा डेल्टा V2 का। अब हमें क्या करना है? दोनों ही इक्वेशन में कॉमन पोटेंशियल रखना है और डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2 डिराइव करना है। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहले डेल्टा V1 निकालेंगे, V1 माइनस V करना है। V हमारे पास क्या है? कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल है। इसको जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास डेल्टा V1 = V1 - ये यहाँ पर पुट हो रही है वैल्यू, तो C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अब क्या करना है? LCM ले लेते हैं। तो डेल्टा V1 = इधर ये वैल्यू क्रॉस आउट होके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी V1 से। तो C1 + C2 मल्टीप्लाई में आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा माइनस में C2V2। डिवाइड करेंगे, LCM में आ जाएगा C1 + C2। अब हमें क्या करना है? V1 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? C1V1 + C2V1 - C1V1 - C2V2 / C1 + C2। अब देखिए यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है।
C1V1 प्लस में है, C1V1 माइनस में है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो टर्म बच रही है उसको हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2V1 माइनस C2V2, C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास दोनों टर्म्स बच गई, इनको हमने वहाँ लिख लिया है। अब देखिए इन टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास C2 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 हमने कॉमन ले लिया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास फॉर्मूला आया है चेंज इन पोटेंशियल, ये हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा V1 का। हमने क्या लिया था, डिफरेंस निकाला था किसमें, V में और V1 में, तो V1 ग्रेटर देन है V से, तो हमने क्या किया V1 माइनस V किया है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा V1 हमारे पास डिफरेंस आ गया है आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो जैसे हमने डेल्टा V1 निकाला, सेम हमें क्या निकालना है, डेल्टा V2 का फॉर्मूला निकालना है, वो क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्योंकि V2 से ज़्यादा है तो V माइनस हम V2 करेंगे, तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा V2 की, हम V माइनस V2 करेंगे, V माइनस V2 करेंगे और V हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल है V माइनस V2 किया। LCM ले लेते हैं, डेल्टा V2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया किससे, C1 प्लस C2 से, तो बाहर क्या है अपने पास माइनस ही है यहाँ पर, तो C1 प्लस C2 हमने कर दिया। अब इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूला को, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस, यहाँ हो जाएगा C1 V2, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस, चेंज हो जाएगा C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास C2 V2 प्लस में है और C2 V2 माइनस में है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। डेल्टा V2 हमारे पास कितना आ गया, C1 V1 माइनस C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आती है इसकी, डेल्टा V2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ C1 दोनों टर्म्स में है, कॉमन ले लेंगे, V1 माइनस V2 बचेगा, तो यहाँ C1 हमने कॉमन ले लिया है, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, डेल्टा V2 का आ गया, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में पहले और बाद के सिचुएशन में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस था सेकंड वाले कंडक्टर में, वो हम निकाल चुके हैं डेल्टा V2। हमारे पास इक्वेशन आती है C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब हमें क्या करना है कि ये दोनों जो चेंजेस आए हैं इनका हमें रेशियो निकालना है, वो रेशियो किस तरह से किस पे डिपेंड करता है, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास डेल्टा V1 कितना आया था, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड डेल्टा V2 हमारे पास कितना था, C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। हमारे पास दोनों की इक्वेशन आ गई है, अब हमें अगर इन दोनों का क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। देखो दोनों में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये सेम है, तो ये हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल चेंज था और सेकंड कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल चेंज था, उन दोनों का जो रेशियो है वो इनवर्स रेशियो के इक्वल होगा, यानी इनवर्स रेशियो किसका, कैपेसिटेंस का। अगर हमारे पास डेल्टा V1 किस में चेंज है, पोटेंशियल में चेंज है, कैपेसिटर फर्स्ट के या फिर कंडक्टर फर्स्ट के, तो वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C1 के। और उसी तरह से डेल्टा V2 चेंज है किसके अंदर, कैपेसिटेंस कैपेसिटर सेकंड के लिए,
तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सी टू के। तो हम इसका रेशियो अगर देखें तो डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू कितना आएगा, सी टू अपॉन सी वन आएगा। तो आज हमने इस जो टॉपिक है उसमें बात की किस किस की। सबसे पहले हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने बात की कॉमन पोटेंशियल की, देन रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का हमने रेशियो निकाला, उसके बाद हमने डेल्टा वी वन डेल्टा वी टू निकाल के उन दोनों के रेशियो की हमने बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक बचा है, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं ऑल आर वेलकम्ड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।